गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से मुरादाबाद महानगर का प्रतिनिधित्व किया और उन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की क्यों आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने गुजरात के सीएम विजय रूपानी के साथ स्मार्ट सिटी बुकलेट का भी विमोचन किया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मेयर विनोद अग्रवाल ने कार्यक्रम में पहुंची तमाम हस्तियों को संबोधित करते हुए मुरादाबाद महानगर की खूबियों का बखान किया। मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि मुरादाबाद पीतल नगरी को दुनिया भर में ग्लास सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां से पीतल हैंडीक्राफ्ट का निर्यात पूरे विश्व में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मिडिल ईस्ट सहित तमाम मुल्कों में करके हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद 400 वर्ष पुराना साफ सुथरा छोटा सा शहर है, जहां का कुल एक्सपोर्ट 7,500 करोड़ का विदेशी मुद्रा का और अन्य उद्योगों को मिला लें तो 9,000 करोड़ का कारोबार होता है। उन्होंने कॉन्क्लेव में बताया कि मुरादाबाद में स्थापित उद्योगों से करीब 1.5 लाख लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मुरादाबाद देश की राजधानी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि से रेल और सड़क नेटवर्क के द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है, जहां से लोग आसानी से देश के उक्त प्रदेशों में जा सकते हैं। इस दौरान नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने भी मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की जरूरतों के बारे में कॉन्क्लेव में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम में मेयर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने गुजरात के सीएम विजय रूपानी के साथ स्मार्ट सिटी बुकलेट का भी विमोचन किया। कॉन्क्लेव में स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल तमाम महानगरों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने शहरों की खूबियों का बखूबी बखान कर मुरादाबाद को विश्व में पीतल नगरी ब्रांड सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से पीतल हैंडीक्राफ्ट का निर्यात पूरे विश्व में, US में, यूरोप में, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, मिडिल ईस्ट सभी देशों के लिए किया जा रहा है। यहाँ का कुल एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट, छोटा सा शहर है, बहुत साफ सुथरा हेरिटेज, 400 वर्ष पुराना, यहाँ से लगभग 7,500 करोड़ का विदेशी मुद्रा का हम अर्जन करते हैं, एक्सपोर्ट होता है। अन्य उद्योगों को मिलाकर यहाँ पर 9,000 करोड़ का कारोबार होता है। इन उद्योग में लगभग 1.5 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मुरादाबाद देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम आदि से रेल एवं सड़क नेटवर्क के द्वारा भलीभांति जुड़ा हुआ है।